कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है? क्योंकि जिहादी नहीं जाते कि ये देश की जनता जनार्दन जाने कि 1990 में उन्होंने क्या कुकर्म किया था, वो नहीं चाहते। आपको याद होगा पत्रकार महोदय कि जब विवेक साहब ने एक मैसेज ट्वीट किया था उस दिन मैं रोया था कि सोचिए कि विवेक साहब ने कहा था कि जब मैं उस फिल्म को लेके गया था बहुत सारे चैनलों के पास तो लोगों ने नकार दिया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन हिंदुओं को कहता हूं कि आप उस चैनल का, आप उस एपिसोड का बॉयकट कीजिए, क्योंकि जो आपके धर्म का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। चैनल वालों ने मना कर दिया क्योंकि इसमें छोटे छोटे कलाकार थे। विवेक अग्निहोत्री जो हैं वो बहुत बड़े सुपर टैलेंटेड 500 करोड़ क्लब कमाने वाले डायरेक्टर नहीं है, तो उनको नकार दिया गया। और नकारा क्यों गया? खौफ में कि पीछे जिहादी हमारे दुकान को बंद न कर दे। लेकिन जनता जनार्दन ने बोल दिया कि तुम लोग कुछ नहीं हो, तुम लोग गॉड फादर नहीं हो, गॉड फादर तो जनता जनार्दन है, वो डिसाइड करेगी किसको ऊपर जाना है और किसको जमीन दोज करना है। 200 स्क्रीन पे इस फिल्म को मिली थी प्रमोशन, 200 स्क्रीन पे। खुद पीवीआर, आईनॉक्स, सिनेमा हॉल, ये तमाम लोगों ने बोला था कि एक एक स्क्रीन चलाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं तमाम जनता जनार्दन का, माउथ पब्लिसिटी का, जो लोगों ने सच्चाई देखा बाहर गए और बोले तू भी जाके देख, तू भी जाके देख, तू भी जाके देख, उन लोगों ने कहा। और आज देश की जनता जनार्दन जितने हॉल के अंदर में उतने हॉल के बाहर और उतने बेसमेंट्स के पास काउंटर के पास जनता जनार्दन पहुंची है कि जरा हम भी तो देखें कि उस सच्चाई पे ब्लैंकेट डाल के 32 साल से रखने वाली सरकार ये कितनी नामर्द है। लेकिन कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। सुनिए सुनिए, आप 32 सालों से इस सच्चाई को दबा के रखा था इस देश ने, इस सरकार ने, और आज ये सच्चाई सामने आ रही तो पेट में मरोड़ हो रहा है। क्यों नहीं होना चाहिए? वहां पे जाके कुछ भाड़, सॉरी टू से दैट, भड़वे जाके वहां पे जाके वो अपना इस्तेमाल करते हैं, ये रोमांटिक फिल्में बना के दिखाते हैं कि ये कश्मीर है। अरे कश्मीर तो सच्चा है कि द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है, वो ट्रीजर था, अभी फिल्म आनी बाकी है, वो ट्रीजर है, ये ट्रीजर है। ब्लैंकेट डाला गया था उस पे, उस सच्चाई पे कि देश की जनता जनार्दन के सामने ये सच्चाई नहीं आए। लेकिन धन्य हो विवेक साहब का। कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा भी कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा उनको लग रहा है क्योंकि उनके ये चीजों में फिट नहीं बैठता ना, इनके एजेंडे में वो फिट नहीं बैठता, ये प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है। क्या 4 लाख हिंदुओं को वहां से भगाया नहीं गया था? लेकिन यहां पे छोटी मोटी घटना हो जाती है तो लगे छाती पीटने कि ऐसा हो गया है, यहां अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और क्यों उन 4 लाख हिंदुओं के बारे में क्यों नहीं बात हुआ था? और रही बात कुछ सरकारों की, जिन लोगों ने ब्लैंकेट डाले हैं वो उनको पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, इसीलिए तो देश की जनता जनार्दन ने ये प्रूव कर दिया कि तुम्हारी हैसियत नहीं है। हम तो इस फिल्म को नहीं सच्चाई को देखने जा रहे हैं जिस पे तुम लोगों ने ब्लैंकेट चादर दमिंदोज कर रखे थे, उस चीज को हम करीब से देखने जा रहे हैं। कपिल शर्मा इसीलिए डर गया क्या कि उनके करियर पर ताला लग सकता है? कपिल शर्मा की क्या हैसियत? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर जो सच्चा राष्ट्रभक्त है इसके शो पे ताला लगवाना चाहिए। जो हमारे धर्म का नहीं हो सका वो किसी काम का नहीं। Well done, well, well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies.